अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के अंदर मौजूद हैं और यहाँ कंप्यूटर साइंस के कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं और उन्होंने डेटा को कंट्रोल करने का कुछ सॉफ्टवेयर बनाया है, मालूम करते हैं इनसे। पहले अपना तारुफ कराइएगा। मैं रमीज अंसारी हूँ, उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मेरा ताल्लुक है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यहाँ पे स्टूडेंट हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शांजा है एंड मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम रैयान है और मैं यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रह। तो ये क्या प्रोजेक्ट है? बेसिकली हमने जो है वो डेटा को वैल्यू देना चाहिए कि डेटा हमारे पास एनवायरनमेंट के अंदर जितना भी मौजूद है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर हो गया या ह्यूमिडिटी हो गया, ये डेटा कोई भी बंदा कैप्चर करके इसको वैल्यू नहीं दे रहा। वैल्यू से मतलब ये है कि कोई बंदा इसको परचेज कर सके और उसकी जगह उसकी अर्निंग हो सके। सो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे लोग आके ये डेटा कैप्चर कर सकें अपने एनवायरनमेंट में से और इसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, एक गवर्नमेंट एजेंसीज को या फिर किसी वेदर एप्लीकेशन को सेल कर सकें डेटा। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आके डेटा कैप्चर करें, अपलोड करें एंड देन वो डेटा अवेलेबल होगा लोगों के लिए सेल परचेज करने के। So, ये बेसिक आइडिया प्रोजेक्ट। तो डेटा से तो बहुत बड़ा मतलब हर चीज ही डेटा है, तो क्या किस किस चीज को आप कैप्चर करने के मूड में? हम लोग का फॉर एग्जांपल वो कंपनी यहाँ पे डेटा सेल कर सकती है, जैसे कि अगर कोई एग्रीकल्चर का काम करना चाह रहा है तो वहाँ पे वो काम स्टार्ट करने से पहले उसका एटमॉस्फेयर, ह्यूमिडिटी वगैरह मालूम करना चाहेगा, तो वहाँ भी कोई सेंसर लगा के अगर वहाँ का टेम्परेचर वो सेल करना करे एंड किसी यूजफुल इंसान को दे के जो वहाँ पे काम करना चाह रहा है तो उस काम आ सकता है। अच्छा, मैं आमतौर पर जो है वो लियारी एक्सप्रेस वे यूज करता हूँ और वहाँ पे लाजमी आता है टिकट होता है, जब आप जाते हैं तो टोल टैक्स देते हैं आप, तो वो टोल टैक्स ठेके पे जाता है, तो क्या आपकी डिवाइस वहाँ पे ये डेटा कलेक्ट कर सकती है कि सुबह के टाइम या पूरे दिन में कितनी गाड़ियाँ वहाँ से गुजरी? जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें जो है फिर ये दूसरी डिवाइस बनानी पड़ेगी। लाइक ये जो हमने डिवाइस बनाया ये अभी सिर्फ ये जो टेम्परेचर का डेटा है हमारे पास और ह्यूमिडिटी वगैरह ये सब कंट्रोल करती है, ये इसको मैनेज करती है। उसके लिए हमें फिर ये दूसरे सेंसर यूज करने पड़ेंगे और दूसरी हमें टेक्नोलॉजी, मतलब ये मतलब लेकिन, के, लेकिन वो बिल्कुल एक अलग प्रोजेक्ट होगा या नहीं? इसके अंदर हमें बस जो है ना ये इसके अंदर हमें हार्डवेयर की मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी और टेम्परेचर सेंसर की जगह जो है वो हमें मोशन सेंसर यूज करने पड़ेंगे, जिससे डेटा कैप्चर हो जाएगा और वो डेटा फिर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो है वो अवेलेबल होगा परचेज करने के लिए। सही, तो अभी आपने कमर्शियली किसी को इस पे बात की है? किसी से भी हमारी बात चल रही है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, वेदर एप्लीकेशंस हो गए जो इंटरेस्टेड है, लेकिन इस वक्त प्रोसेस के अंदर वो इतना ज्यादा आगे मामला गया नहीं अभी। चले, आप लोगों ने बहुत अच्छी एक डिवाइस बनाई है, तो हमारी दुआ है कि इनका भी प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो और एक डेटा की जो इम्पोर्टेंस है उसके हवाले से इन्होंने एक अच्छा डिवाइस बनाई है और इसको थोड़ा सा इसको ये अगर अपने जहन को और बढ़ाएं और डेटा के हवाले से थोड़ी सी अपनी इस मॉडिफिकेशन करें तो इनका ये प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल हो सकता है। थैंक यू वेरी मच नाज़िम, अब आइंदा किसी अगली वीडियो में मुलाकात होती है।